उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका पूरा फैमिली, पूरा देश, आपका पूरा गांव स्वस्थ होगा। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें। तो आज की हमारी वीडियो में कोई भी टेक्निकल वीडियो नहीं है, बस एक ऐसे ही हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ में 10-5 मिनट जो भी है, और जो हो रहा है अपने इस कंट्री में, अपने गांव में, अपने शहर में, इसके बारे में जानकारी देंगे, और जो भी परिवर्तन हो रहे हैं अपने प्रकृति में, अपने लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके परिवार के बारे में। अपना जो परिवार है, हमारा परिवार, आपका परिवार, ये परिवार आपका, हमारा परिवार, 3 प्रकार का होता है। पहला परिवार तो वह होता है जो अपना परिवार होता है, स्वयं का परिवार, मतलब जिसपे हमारे भाई बहन, माता पिता, पूरा चाचा चाची, ये सब लोग होते हैं, ये हमारा पहला परिवार होता है। तो ये हमारा परिवार है जिसपे हम सभी साथ में रहते हैं, और ये लॉकडाउन होने की वजह से हम सब आपस में बात कर पाते हैं, हम सभी से मिल पाते हैं और सभी हमसे बात कर पाते हैं। और पहले तो ऐसा नहीं था, सब भागा दौड़ी थी, सभी के जीवन में भागा दौड़ी की जिंदगी चल रही है, कोई यहाँ जा रहा तो कोई वहां जा रहा है, कोई शांति से बात नहीं कर पाता था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि सब घर में बैठे हैं और अपना टाइम पास करने के लिए अपने परिवार वालों से ही बात करते हैं। ये हमारे हमारे यहाँ भी ऐसे ही माहौल है, सभी इधर उधर जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। लेकिन अभी 2 दिन से इतना अच्छा माहौल लग रहा है, सब घर में हैं, घर में आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से फोन पर बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि अब तुम हमको भूल गए हो, फोन नहीं करते हो, जॉब लग गई है, लेकिन आज उन सबसे बात करना पड़ रहा है, उन सभी का कॉल भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। दूसरा हमारा परिवार होता है हमारा समाज। हमारा समाज एक बहुत बड़ा हमारा परिवार है जिसे हमें बचाना है। और तीसरा हमारा परिवार होता है हमारा देश। तो 3 परिवार हमारे होते हैं, जो कि अपना खुद का परिवार होता है, दूसरा हमारा समाज होता है, और तीसरा होता है हमारा देश। एक अलग सा सोचिए, एक अलग टाइप से देखिए, जैसे पूरे इलाके में, पूरे एरिया में लॉकडाउन हो गया है, कोई भी गाड़ी वाहन, कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, एकदम सूना सूना लगता है। पूरा मोहल्ले में निकल के देखो तो पूरा सोना लगता है, सभी के दरवाजे बंद हैं, सब अंदर हैं, ऐसे लगता है कि इस गांव में कोई नहीं है। तो हमारे सामने जो नया संकट आया हुआ है कोरोना वायरस का, इसके कारण हमारा पूरा देश, हमारी पूरी कंट्री में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बन गया है जिसपे कि सभी लोग भयभीत हो चुके हैं इस वायरस के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में। और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, मान लीजिए कि सभी देश जो है, सभी कंट्री जो है, तो लॉकडाउन हो चुकी हैं, सब अपने घर के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, और कुछ अलग लोग हैं, अपवाद हैं, जो कि जबरदस्ती बाहर भागते हैं, उन्हें आप कोई रोक नहीं सकता, जो कि मनमानी कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी हमारे रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं, घर से बाहर ना जाएं और घर में ही रहें, अच्छे से रहें। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू रखा गया। जनता कर्फ्यू में हमने अपने परिवार में देखा और अपने रिलेटिव में फोन करके बात की और सभी तक देखा, और जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि इस जनता कर्फ्यू में जितने भी लोग हैं सब लोग घर में रहे होंगे, और घर में ही थे लगभग, और सभी लोगों ने घर में अपना खाना खाया होगा। और पहले क्या था कि संडे को या शनिवार को जैसे घर पे छुट्टी रहती थी, कहीं भी जाना आना होता था तो कहते हैं चलो होटल में खाना खाएंगे, कहीं भी खाएंगे। लेकिन इस बार इस संडे ऐसा हुआ जो कि सब लोगों के लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ लगभग कि पूरे मतलब दुनिया में, पूरे अपने भारत देश में सब लोग एक सा संडे को, मतलब कोई बाहर नहीं निकला, सब घर में थे, घर में अपने फैमिली के साथ में खाना खाए, अपने फैमिली के साथ में बात की, ये बहुत ही अच्छा लगा। अपना मानव समाज अपनी सभ्यता को भूलते जा रहा था, जैसे कि किससे क्या बात करना है, किसमें क्या करना है, तो इसके लिए अपनी जो लाइफ है तो थोड़ी सी रीसेट हो गई है। जैसे अपनी फोन की जो सेटिंग्स होती हैं, तो सेटिंग्स इसकी रीसेट करनी पड़ती हैं जब अच्छे से यह नहीं चलता है। इसी प्रकार से हमारा जो मानव जीवन है, हमारी लाइफ है, इसे भी रीसेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना भागा दौड़ी में, इतने काम धाम में इंसान इतना बिजी हो गया कि एक दूसरे को ध्यान नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके लिए आप, हमारा यह मानव जीवन जो है तो रीसेट हो रहा है। आप इसे कोरोना वायरस का चक्कर न समझकर आप अपने आप में बदलाव देखिए कि आप घर पर हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं, आप घर का खाना खा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप अपने आप को रीसेट कर रहे हैं और हमारी प्रकृति को भी इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जैसे कि प्रकृति में हम ज्यादा यातायात नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रदूषण जो होते थे वो बंद हो गए, बहुत सारे कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत सारे जो प्रदूषण वाले कारखाने थे वो भी अभी क्लोज है, मतलब ज्यादा काम नहीं चल रहा है। और गाड़ी वाहन जो सिटी शहर में बहुत ज्यादा चलती थी,
वो सब अभी नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण जो वायु प्रदूषण होता था उसमें बहुत कुछ राहत मिली है और हमारी प्रकृति भी इससे बहुत संतुष्ट हो गई। पहले आसमान का कलर कुछ अलग होता था इतना प्रदूषण के कारण, लेकिन अभी आसमान थोड़ा सा अच्छा हो गया, नीला दिखने लगा है कि खुशहाली टाइप से, और सड़कें एकदम साफ हैं। जैसे हमें ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस जब जाते हैं तो ऑफिस तो हमें जाना पड़ेगा, तो ऑफिस जाते टाइम हम देखते हैं कि सड़क एकदम सुना साना रहता है, कोई भी सड़क में नहीं होता है और सड़क एकदम शांत हो गई है। आजकल मतलब गांव में देखो, कहीं भी देखो, एकदम सन्नाटा सा छाया होता है, कहीं भी निकलो कोई निकलते नहीं है, पूरा सन्नाटा दिखता है। स्कूल बंद हो गए, लैब बंद हो गए, टीवी टॉकीज बंद हो गए, सिनेमा घर बंद हो गए, सभी बंद हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें भी चालू है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस चालू है, बैंक चालू है, मेडिकल स्टोर चालू है, हॉस्पिटल्स चालू हैं, और ये बहुत सारी चीजें चालू हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको भी खतरा है कि ये वायरस उन पे भी अटैक हो सकता है, लेकिन वह इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए भी अपने ड्यूटी पर अड़े रहते हैं, वह काम करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि हमें वो बचा रहे हैं। हम अपने घर में जब तक हैं तो हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन अपने घर से हम जैसे ही बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि हम इस वायरस के चपेट में आ जाएं और हम हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार में, परिवार के साथ हमारे समाज में बहुत दुर्घटना भी हो सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हाथ जोड़कर उन डॉक्टर्स को, उन बैंक वालों को, उन पोस्ट ऑफिस और उन सभी मेडिकल स्टोर वालों को जो, और उन सभी पुलिस वाले और सेना कर्मियों को जो कि इस बड़ी संकट के समय में वो बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं और यह अभी भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वायरस से लड़ने के लिए सभी, पूरी दुनिया ही हिल गई है, लेकिन इस कंडीशन में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। आप कहीं भी जाते होंगे, किसी भी मंदिर में जाते होंगे, कहीं भी धर्म स्थल में जाते होंगे तो हर जगह ताला बंद कर दिया गया है, कहीं भी एंट्री नहीं है, भगवान के आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी हम बता दें कि असली भगवान जो है तो सफेद कपड़ा पहने हुए हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है, वही भगवान है, सबसे बड़े भगवान आज की डेट में डॉक्टर्स हैं, जो कि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो है तो वह काम कर रहे हैं और लाखों लोगों को बचा रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पालन करना है और अपने कर्तव्य के साथ में अपने परिवार वालों को संभालना है, अपने परिवार के साथ में अपने पूरे गांव को, अपने समाज को ये बचाना है, और इस बीमारी जो कोरोना वायरस है इससे हमें लड़ना है। और लड़ने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा फार्मूला, बहुत छोटी सी चीज है कि हमें अपने आप में संयम बरतना है। संयम और सावधानी से हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर संयम नहीं है, सावधानी नहीं है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं, अपने बंद घर में नहीं रख सकते हैं, तो हमारे अंदर संयम नहीं है। अगर आप अपने अंदर संयम रखते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, आप अपने घर में रहते हैं, तो फिर कोई खतरा नहीं है। अगर इसी प्रकार से पूरे देशवासी अपने आप में संयम रख लें, अपने आप में कंट्रोल कर लें, तो फिर ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है। ऐसे मजाक वाली वीडियो तो बहुत सारी आ गई कि प्रसाद चढ़ाने से कोरोना वायरस चला जाएगा, पूजा करने से कोरोना वायरस चला जाता है, प्याज खाने से कोरोना वायरस चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहकावे में कोई भी मत आइएगा, ना तो प्रसाद चढ़ाने से कोरोना वायरस जाएगा, ना तो प्याज खाने से, लहसुन खाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोरोना वायरस पकड़ लिया है तो ठीक नहीं हो सकता है, तो इसका बचाव यही है कि आप उस कोरोना वायरस से 100 किलोमीटर दूर ही रहें तो ही ठीक है। और इस संकट की घड़ी में आप अपने घर पर हैं, पूरी दुनिया की न्यूज देखते हैं, पूरी न्यूज देखने के लिए आप जो न्यूज चैनल है, मीडिया वाले हैं, वो कितने संकट में जाकर वहां पास से न्यूज कलेक्ट करते हैं, उनको भी खतरा है कि वो किस प्रकार से न्यूज आप तक देते हैं, हर पल की रिपोर्ट देते हैं, आप उस रिपोर्ट को देख पाते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस घड़ी आप तक संदेश पहुंचाने के लिए। कौन सा अपडेट कब हो रहा, पूरा जो आपको सूचना मिलती है ये पूरा टीवी चैनल, न्यूज चैनल से मिल रही है, तो इस सभी के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि इस समय इस कठिन परिस्थिति में कार्य करके हम सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं और अलर्ट रहने को कहते हैं। एक मेन चीज ये है यहाँ पास, जैसे कि हमारा जो इटली है, इटली की डॉक्टर इतने अच्छे हैं, वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है तो उसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे आती है। सेकंड रैंकिंग में आने के बाद भी वहां की कंडीशन इस प्रकार से है कि अभी की डेट में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर उसी प्रकार से कहर अपने भारत में आ गया, अगर हम लोग अपने अंदर संयम नहीं बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, इसी प्रकार से अगर हमारे भारत में ये कहर आ गया, सब लोग इधर उधर भागेंगे, तो फिर ये सुविधा किस रैंक पे जाएगी। हमारे जो भारत की रैंक है स्वास्थ्य विभाग में 102 103 नंबर ऐसे कुछ है। बहुत ज्यादा लोगों के साथ में डॉक्टर्स की सुविधा दे पाना नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा जो
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो जिला है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, प्राइवेट तो प्राइवेट भी चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम में डॉक्टर भी मना करते हैं, प्राइवेट वाले डॉक्टर्स भी बंद कर दिए हैं कि वो भी किसी का इलाज नहीं करते हैं, उनको भी डर लगता है कि कोरोना वायरस ना हो जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो चालू हैं। तो एक जिले में काफी सारे लोग होते हैं, अगर पूरे जिले वालों को ऐसा कुछ हो गया तो फिर एक जिला हॉस्पिटल वो क्या कर सकेगा। तो जिला हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है कि आप अपने घर पे रहें और अच्छे से रहें, सावधानी बरतें, अपने फैमिली के साथ में रहें, अपने परिवार के साथ में रहें, संयम बरतें, बस इतना ही। इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको यही सब कुछ देखना है। और एक बार फिर से उन भगवान को, उन डॉक्टर्स को, हमारे लिए तो अभी वो भगवान ही है, उन भगवान को और उन सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको प्रणाम। वो लोग इतना कठिन परिस्थिति में भी अभी हमारा सहयोग दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोगों की सेवा करते हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं, काफी लोग को ठीक भी कर चुके हैं और अपनी जान की फिक्र नहीं करते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स तो खुद कोरोना वायरस का इलाज करते करते उन खुद ही कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो है पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि हम अगली वीडियो जब भी अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।